हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुधांशु और आज की हमारी वीडियो एक थर्ड बिगिनर फूड ट्यूटोरियल वीडियो है। आज की वीडियो में हम तीन बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है कि फ्लूट का मेजर स्केल क्या होता है या शुद्ध स्केल क्या होता है फ्लूट का, या और हमारा सेकेंड पॉइंट है कि की नोट क्या होता है या फिर रूट नोट क्या होता है फ्लूट का। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का ये है कि आज हम जो है सारे गामा पादनी सा बजाना सीखेंगे, जो कि फ्लूट म्यूजिक या किसी भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक बेसिक एबीसीडी माना जाता है, कि जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने से स्टार्ट करने से पहले या बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको सारेगामा बजाना आना चाहिए, तभी आप आगे उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सीख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखेगा। तीनों पॉइंट को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेजर स्केल से सीखना स्टार्ट करते हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो का पहला पॉइंट है। तो मेजर स्केल क्या होता है फ्लूट पे, जब हम जैसे कि मेरे पास आज ये एफ स्केल की फ्लूट है, जब हम इस फ्लूट पे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे होल्स खोल, पहले सारे होल्स को बंद करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे खोलते हुए ऊपर आएंगे, तो हमारी फ्लूट एक रिदम प्रोड्यूस करेगी, जो कि नेचुरली हमारी फ्लूट प्रोड्यूस करेगी जब नीचे से ऊपर आएंगे, उसको हम मेजर स्केल बोलते हैं। और इसको हम नेचुरल स्केल बोला जाता है, मेजर स्केल बोला जाता है और शुद्ध स्केल भी बोला जाता है, शुद्ध सप्तक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लूट जब नीचे से ऊपर जाने पे, नीचे से ऐसे हम खोलेंगे, ऊपर जाएंगे, सारे होल खोल देंगे, सारे बंद से लेके ऐसे खोलते हुए जाएंगे और फिर एक एक करके सारे होल खोल देंगे जब हम, तो एक रिदम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बहुत सिमिलर रिदम है, बहुत ही फेमिलियर रिदम है, आप सभी ने सुनी होगी। उसी स्केल को, उसी रिदम को हम मेजर स्केल बोलते हैं किसी भी फ्लूट का। ये सारी फ्लूट्स पे एक जैसा सुनाई देता है, बस पिच के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, लेकिन रिदम में बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों, आज हम एफ स्केल की जो फ्लूट है, इसमें मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। पहले हम सीधा बजाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर बजाएंगे, फिर उसके बाद आपको उल्टा बजा के दिखाऊंगा मेजर स्केल। अभी पहले सबसे पहले सीधा बजाएंगे, सबसे पहले ये वाला ऐसे बजाएंगे सारे होल्स बंद करके, और फिर इसको धीरे धीरे खोलते जाएंगे। बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी लंबी सांस ले, उसको एक साथ बजाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये हमने मेजर स्केल बजाया सीधा, मतलब नीचे से ऊपर बजाया। दोस्तों, इस मेजर स्केल को उल्टा बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सारे होल्स बंद रखने हैं और अब जो आपको आवाज प्रोड्यूस करनी है वो अपर ऑक्टेव की करनी है। अगर आप अपर लोअर ऑक्टेव में तक कंफर्टेबल नहीं है, तो दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, मैं अपनी पिछली वीडियो में अपर लोअर ऑक्टेव को कवर कर चुका हूँ। जो लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं है, पहले वो वीडियो देखें, वो लेसन को सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर इस लेसन को आगे देखें, क्योंकि आगे की वीडियोस के लिए और इस वीडियो के लिए भी अपर और लोअर ऑक्टेव आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अपर और लोअर ऑक्टेव के नोट्स कैसे बजते हैं। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आप यहाँ सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और सारे होल्स बंद करके अपर ऑक्टेव का नोट बजेगा, फिर सारे होल आपको खोल देने हैं, फिर एक बंद करना है, फिर दूसरा बंद करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आपको बंद करना है उल्टे ऑर्डर में, जैसे हम नीचे से ऊपर आए थे तो ऊपर से नीचे जाना है। ऐसे अपर ऑक्टेव का एक नोट बजाना है, सारे होल्स बंद रख के, और फिर अब सारे खोल के बजाना है। इसके बाद ऐसे हमारा मेजर स्केल उल्टा बजेगा, मैं आपको एक साथ सीधा और उल्टा दोनों तरीके से आपको मिला के दिखा देता हूँ कि कैसा साउंड करेगा और क्या डिफरेंस है। पहले आप कोशिश करिए कि नीचे से ऊपर आप एक सांस में जा पाए, फिर ऊपर से नीचे आप एक सांस में जा पाए, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कोशिश करिए कि पूरा एक ही सांस में कवर हो जाए नीचे से ऊपर। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप लंबे नोट्स कम ब्रेथ में, मतलब पूरी एक ही ब्रेथ में बजा पाएंगे और आपको ज्यादा स्वीटनेस आएगी आपके फ्लूट बजाने में। तो दोस्तों, ये मेजर स्केल था। मेजर स्केल दूसरे फ्लूट्स पे थोड़ा अलग साउंड करता है। मैं आपको एक
20 स्केल की फ्लूट पे ये स्केल बजाना दिखाता हूँ कि उस पर कैसे साउंड करेगा। ये दोस्तों 20 स्केल की फ्लूट है मेरे पास, मैं इस पर आपको दिखाता हूँ कि मेजर स्केल कैसा साउंड करेगा। इस पर थोड़ा सा शार्प आ रहा है, थोड़ी सी पतली आवाज आ रही है, लेकिन इस पर थोड़ा बेस आ रहा था क्योंकि बेस फ्लूट है और ये मेरी बी फ्लूट है, इस पर थोड़ा अलग आ रहा था। दोस्तों आपको जी स्केल पे भी दिखा देता हूँ कि मेजर स्केल कैसा साउंड करेगा। रिदम तो सेम लगेगी लेकिन पिच डिफरेंट लगेगी। दोस्तों ये था हमारा मेजर स्केल। दोस्तों अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि की नोट क्या होता है। जैसे हमने अभी मेजर स्केल बजाया, हमने इस पर पहले सारे होल्स बंद करके बजाया नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे जब हमने स्टार्ट किया तो हमने अपर ऑक्टेव के साथ नोट बजाया सारे होल्स बंद करके। हमने दोनों तरफ से स्टार्ट किया तो हमने सारे होल्स बंद करके स्टार्ट किया। इसका मतलब ये जो नोट है, ये जो भी नोट है, ये नोट हमारा रूट नोट है। और हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रागस जब बजाएंगे फ्लूट पे तो रूट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट नोट या की नोट आप कुछ भी कह लीजिए, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी राग इसी एक रूट नोट से ही स्टार्ट होता है। चाहे कोई भी राग हो, चाहे राग भोपाली हो, चाहे राग यमन हो, कोई भी राग हो, वो रूट नोट से ही स्टार्ट होता है। तो रूट नोट हमारे इसमें पा था, इसको बंद करके बजाएंगे तो पा बजता है। वो आगे हम भी सीखेंगे कि सारे गामा पा पूरा कैसे बजता है, लेकिन जब सारे होल बंद करके बजाते हैं तो पा बजता है। और हमारे मेजर स्केल में हमने पा को एज अ रूट नोट लेके स्टार्ट किया। तो ये तो रूट नोट और की नोट का कॉन्सेप्ट हो गया। मेजर नोट, मेजर स्केल आप समझ गए मेजर स्केल कैसे बजता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के जो पॉइंट्स थे ये हमारे अभी तक कवर हो गए। दोस्तों आगे चलते हैं और हम सारे गामा पा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो के लिए आपके फ्लूट बजाने के लिए, तो हम उसकी तरफ पढ़ते हैं और आगे सीखते हैं सारे गामा पा कैसे बजता है। मैं आज यूज कर रहा हूँ एफ स्केल की फ्लूट, और आप कोई भी फ्लूट यूज कर सकते हैं जिस स्केल में कंफर्टेबल हो। सी स्केल, बी स्केल और जी स्केल बिगिनर्स के लिए थोड़ी कंफर्टेबल रहती है क्योंकि थोड़ी छोटे साइज की होती है, हाथ जल्दी सेट करने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है वो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सा से, जो कि हमारा पहला नोट है सारे गामा पा निसा का। आप जैसे जानते होंगे कि सारे गामा पा धा निसा में दो बार सा आता है। जो पहला सा है वो नीचे का सा है, लोअर ऑक्टेव का सा है। जो दूसरा सा है वो अपर सा है, ऊपर का सा है। तो दोस्तों पहले नीचे का सा बजाने के लिए आपको तीन होल ऐसे बंद रखने हैं ऊपर के, और नीचे के तीन होल खुले होने चाहिए, और फ्लूट जो है हाथ पे बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए, और बहुत ही हल्के लाइट ब्लू के साथ आपको सा बजाना है। सा हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सा की फुल फॉर्म होती है षडज, और ये टर्म जो है षडज ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्लूट बजाने वाले के लिए, उसको पता होना चाहिए अगर इंडियन बैम्बू फ्लूट बजा रहा है। ऐसे ही सारे गामा पा धा निसा में हर नोट की फुल फॉर्म है। जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा हर किसी की फॉर्म बताता जाऊंगा, कहीं उसे लिख लीजिए या याद कर लीजिए जैसे आपको सही लगे। तो सा बजाते हैं उसको तीन होल्स को बंद करके, तीन होल खोल के। ये हमारा सा था, लोअर ऑक्टेव को बजेगा, नीचे वाला सा बजेगा। और अब हम बजाएंगे रे, दो होल्स को बंद करके रे बजाएंगे, लाइट ब्लू के साथ बजेगा ये भी। रे की फुल फॉर्म होती है ऋषभ, और ऋषभ बजाने के लिए दो होल ऐसे बंद रहेंगे, हाथ पर हाथ पर फ्लूट परफेक्टली बैलेंस, और चार होल ऐसे खुले हुए। अब दोस्तों अगला नोट बजाएंगे जो कि है हमारा गा, जिसकी फुल फॉर्म होती है गांधार, और गांधार बजाने के लिए आपके ऐसे पांच होल खुले रहेंगे, सिर्फ ऊपर का एक होल बंद रहेगा, ऐसे सिर्फ ऊपर का होल ऐसे बंद रहेगा और नीचे के चारों खुले, जिसमें पांचों खुले। तो दोस्तों ये बजाने के लिए इसे भी लाइट ब्लू के साथ बजाना है और हमारा गांधार बज जाएगा। अब हमने सारे का बजाया, अब हम माँ बजाएंगे। माँ की फुल फॉर्म होती है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मध्यम, और मध्यम बजाने के लिए आपको फ्लूट पे ये वाला जो होल है ये ऐसे हल्का सा खुला रखना है, हल्का सा 30% ही होल खुला रहता है, 70% ही होल बंद रहता है।
लेकिन अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग में, तो पूरा इसे खोल के पिला सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपका माँ ऊपर का बजेगा, तीव्र माँ बजेगा, या फिर अगर कुछ शुद्ध माँ ही बजाना है तो इस पर प्रैक्टिस करिए कि ये वाला आपका खुला हो 30% और 70% ये बंद हो। तो ये बजाने के लिए हम ऐसे हल्का सा खोलेंगे और बाकी सारे बोल खुले होंगे। या फिर सारे बोल खोल के ये हमारा दोस्तों बंदे को बजा, हमने सारे का वहां बजाया है, इसको एक बार हम पूरा बजा के देखेंगे एक एक करके कि कैसा साउंड करता है। ये हमारा सारे का मा बजा। अब हम पा बजाएंगे, पा जो हमारा अपर ऑक्टेव का बजेगा। अगर ऑक्टेव में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, सेकंड का फ्लूट ट्यूटोरियल है, तो उसमें कंफर्टेबल होगी। ऑक्टेव जानना जरूरी है इस लेसन को सीखने से पहले। तो ये हमारा पा बजाने के लिए, हम पा की प्रॉब्लम होती है पंचम, पा बजाने के लिए हम ऐसे सारे बोल्स बंद रखेंगे और अपर ऑक्टेव का पा बजाएंगे। चलिए दोस्तों अगला नोट पे जाते हैं। अगला नोट है हमारा धा। धा की प्रॉब्लम होती है दोस्तों धैवत, और धैवत भी जो है हमारा ऊपर का बजेगा, क्योंकि हम सारे का पा धा नी सा में नीचे के साथ से ऊपर के साथ में जाते हैं, तो हमारा ऑक्टेव चेंज हो जाता है। पा भी ऊपर का बजेगा, धा भी ऊपर का बजेगा। धा की प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताई धैवत होती है, तो धैवत बजेगा हमारा एक होल खोल के, बाकी सारे बोल बंद होंगे। बजा हमारा धैवत। अब हम अगला नोट बजाएंगे नी। नी की प्रॉब्लम होती है निषाद। निषाद बजाने के लिए दो नोट इसे खोल के रखेंगे, निषाद भी ऊपर का बजेगा, अपर नोट का बजेगा। चलिए बजाते हैं दोस्तों। तो अब हम बजाएंगे ऊपर का सा, ऊपर का षडज बजाएंगे। ऊपर का षडज बजाने के लिए आपको ऐसे फिर से तीन नोट ही बंद रखने, जैसे हमने नीचे के सामने कर रहा था, बस ब्लोइंग प्रेशर को चेंज करना है और आपका ऊपर का तीव्र सा आ जाएगा। अब ये हमने बजाया पा पंचम धा धैवत नी निषाद और ऊपर का सा। अब हम इसको एक साथ बजा के देखेंगे कैसा साउंड करता है। सारे गामा बजाया पहले, पा धा नी सा बजाया मैंने। ये मैंने दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि बिगनर्स के लिए इनको दो पार्ट में डिवाइड करना से मतलब फायदा होता है कि वो सारे गामा पा धा नी सा बजा पाते हैं, क्योंकि बिगनर्स को माँ से पा ट्रांजिशन करने में माँ हमारा सारा खुला होता है, सारे हाथ खुले होते हैं, पा सारा बंद होता है। माँ से पा पे जाने में बहुत डिफिकल्टी आती है, एक साथ हमारे फिंगर्स स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो पाती है ऐसा करने में। तो उसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि आप कंफर्टेबल हो पाए और उसको आराम से बजा पाए। तो मैं एक बार आपको पूरा एक साथ बजा के दिखाऊंगा, फिर दो पार्ट्स में दो सांस में अलग अलग करके बजाऊंगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए या फिर आप एक और तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक करके हर ब्रेथ में एक नोट बजाइए। और ऐसे आप सारे नोट्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे, सारे गामा पा धा नी सा बजाने सीख जाएंगे। लेकिन कोशिश करिए कि आप हर नोट को लंबा खींच पाए, जैसे मैं सा को बजा के दिखाता हूँ, ऐसे आपको हर नोट को लंबा खींचना है। ऊपर के साथ तक, सा से लेके ऊपर नीचे के साथ लेके ऊपर के साथ तक आप एक सांस में बजा पाए।
उसमें आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी, जैसे कि मैंने बताया माँ से पा ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है। मैं उसके लिए नेक्स्ट लेसन में माँ से पा ट्रांजिशन पे ही वीडियो बनाऊंगा, उसी लेसन पे वीडियो बनेगी, उसी पर ट्रिक्स बनाऊंगा बताऊंगा आपको, और उसी की प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा इजी करके कि माँ से पा ट्रांजिशन के लिए क्या तरीके हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो उस अगली वीडियो में वेट करिए, तब तक आप सारे घ माँ फिर पा धन नी सा दो पार्ट में डिवाइड करके प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों अब हम जो है ऊपर के साथ ही नीचे के सा पे जाएंगे, मतलब हम सारे गा मा पा धा नी सा को उल्टा बजाएंगे, बजाएंगे हम सा नी धा पा मा गा नी सा बजाएंगे। दोस्तों ऐसे हम जब इस पैटर्न को उल्टा बजाएंगे तो इसको कहते हैं अवरोह, और जब हम इसको सीधा बजा रहे थे नीचे के साथ से ऊपर जा रहे थे उसको कहते हैं आरोह। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की टर्म्स है, ये पता होना जरूरी है, ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आरोह और अवरोह ही कहा जाता है। तो अब हम ऊपर के साथ से नीचे के पा तक जाएंगे, पहले ऊपर के साथ से पा तक जाएंगे पहले, और फिर हम माँ से नीचे के साथ तक जाएंगे, उल्टा बजाएंगे कोई दो पार्ट में डिवाइड करके। उसको एक एक साथ में करके दिखाता हूं आपको। ये हमारा ऊपर के साथ से पा तक बजा, अब हम माँ से सा तक बजाएंगे, नीचे के साथ तक बजाएंगे। ये बजा हमारा माँ से नीचे के साथ तक, पूरा पैटर्न उल्टा क्या हुआ, सा फिर नी फिर दा फिर पा फिर मा फिर गा फिर रे फिर सा। और मैं आपको एक बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक बार पूरा बजा के दिखाता हूँ कि कैसा साउंड करेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल इसी तरह बजा पाएंगे। थोड़ा और स्लो में आपको बजा के दिखाता हूं, इसी तरीके से इन्हीं ट्रिक्स से प्रैक्टिस करिए, दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक एक साथ में करके धीरे धीरे अपनी स्पीड को तेज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मा टू पा ट्रांजिशन जब मैं बताऊंगा उसको सीख के माँ और पा को दोनों को ज्वाइन करने की प्रैक्टिस करके पूरा सारे गामा पा धा नी सा आप जितने टाइम के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लूट सीखने के लिए आपको आसानी होगी, उतना आप जल्दी फ्लूट सीख पाएंगे, उतना आप कंफर्टेबल हो पाएंगे फ्लूट पर सारे नोट्स बजाने के लिए। पिछला लेसन लोअर ऑक्टेव और अपर ऑक्टेव का बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का लेसन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों लेसन में अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फ्लूट बजाना आसान हो जाएगा बहुत, और आगे के लेसन बहुत आसानी से समझ आने लगेंगे और आसानी से आपकी फ्लूट बजनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि आप कुछ ना कुछ रिदम बजा पा रहे हैं, मेजर स्केल बजा पा रहे हैं, की नोट्स को आपको समझ आ गई। तो ये सारे आज के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो देख के फ्लूट बजाना आ रहा है, आपको समझ आ रही है मेरी वीडियोस, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और वीडियो के एंड में भी नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम आपको पर्सनली भी सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो पर वेट करिए, चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।